इसमें आज हम आपको सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद बताएंगे। इसमें आप देखते हैं कि सर्वनाम जो है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम के विषय में बात करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा अर्थात सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। कहा जाता है वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। वाक्य में सर्वनाम ही वही प्रकार ये करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। जो संज्ञा शब्द करते हैं तो इसमें अब हम देखते हैं, ये तो हुई इसकी परिभाषा। सर्वनाम परिभाषा वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन सर्वनाम शब्दों को हम संज्ञा वो संज्ञा शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और कहते हैं वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, कितने सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम इसमें देखते हैं कि सर्वनाम जो है सर्वनाम के भेद जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते उसी तरह सभी सर्वनाम शब्द भी एक ही तरह के नहीं होते। जिस तरह से सभी
ही तरह के, एक ही तरह के नहीं होते, उसी उसी तरह सभी सर्मा सर्वनाम ही एक ही तरह के नहीं होते। सर्वनाम के सर्वनाम अब हम देखते हैं कि सर्वनाम कितने होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम संबंध संबंधवाचक वाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम ये आपके छह पुरुषवाचक ये देखिए सर्वनाम के लिए जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते उसी तरह से तरह सभी सर्वनाम भी एक ही तरह के नहीं होते। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन कौन से होते हैं इनके विषय में बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से यहाँ पर छह सर्वनाम दिए हैं
इन छह सर्वनामों के विषय में हम अलग अलग विचार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में हम बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, जब भी दो लोग बातचीत करते हैं, उस बातचीत में करने वालों में एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। ध्यान रखें, जब भी हम कोई बातचीत करते हैं उसमें दो होते हैं, दो में एक बोलने वाला होता है जिसे हम वक्ता कहते हैं, और एक सुनने वाला होता है जिसे हम श्रोता कहते हैं। तो दो हुए। अब इसमें वक्ता कभी तो अपने बारे में कुछ कहता है और कभी श्रोता के बारे में कुछ कहता है। अपने बारे में भी तो कहता है, कुछ श्रोता के बारे में कहता है, तो इसके अलावा दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी कुछ कहते सुनते हैं। तो इस प्रकार जो वहां उपस्थित नहीं होता, ऐसी स्थिति में तीनों ही जो पुरुष होते हैं, वह एक तो बोलने वाला होता है, इसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो उपस्थित नहीं हैं, तो उनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब ये ध्यान करें आप, एक तो सुनने वाला, एक सुनाने वाला, और एक दोनों जिस तीसरे के अन्य के विषय में जो वहां पर उपस्थित नहीं है, उसके विषय में जो जो भी बातें होती हैं, उन्हें सभी को हम सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, इनको सबको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें जैसे मैं बैठा हूं, तुम जा रहे हो, या फिर वह आएगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह नहाएगा, वह धोएगा, ये सारा का सारा अन्य जो उपस्थित नहीं है। तो मैं बैठा हूं, तुम जा रहे हो, वह आएगा, इसी प्रकार से यहां पर एक बोल रहा है, बोलने वाला है, सुनने वाला है, एक वहां पर उपस्थित नहीं है। तीनों के विषय में यहां पर बताया गया, जो कि तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम में ही कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो तीन हैं किस प्रकार से है। कहते हैं, वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है, वे उत्तम पुरुष श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है, वे मध्यम पुरुष, और तीसरे के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह हमारा प्रथम पुरुष, उसे हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीन पुरुष हमारे पास होते हैं। तीनों पुरुषों में सबसे पहले जो वक्ता होता है, उस वक्ता को हम उत्तम पुरुष में लेते हैं, और अन्य जो श्रोता होता है, उस श्रोता को हम एक मध्यम पुरुष में लेते हैं,
और जो अन्य उपस्थित नहीं है वह अन्य पुरुष में लिया जाता है, उसे हम तीसरा अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तीन पुरुष हुए जो कि तीनों के तीनों सर्वनाम पुरुष कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैं कल अच्छा उत्तम पुरुष के विषय में सबसे पहले उत्तम पुरुष के विषय में ही जानकारी लेते हैं। तो सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष एक बार उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष के विषय में बात करें तो जिन सर्वनामों का प्रयोग जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है किया जाता है वे उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मैं एक वचन तथा हम बहुवचन आते हैं। अंतर्गत इसके अंतर्गत मैं एक वचन तथा हम बहुवचन आते हैं। ये आते हैं जैसे मैं कल कश्मीर जा रहा हूं, जैसे मैं कल कश्मीर जा रहा हूं, हम इसी शहर के निवासी हैं। हम इसी शहर के निवासी हैं। ये हमारा एक वचन है मैं कल। मैं केवल अपने लिए बोल रहा है जो उत्तम पुरुष में होता है। वक्ता है, वक्ता जो है मैं। तो मैं कल कश्मीर जा रहा हूं या हम मीन्स हम सभी इसी शहर के निवासी हैं। तो ये बहुवचन में है, ये एक वचन में है। इसीलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष जो है जिन सर्वनामों का प्रयोग सर्वनामों का जो प्रयोग है
यहाँ पर वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष के सन्मान कहलाते हैं, और इसके अंतर्गत मैं एकवचन तथा हम बहुवचन आते हैं, जैसे मैं कल कश्मीर जा रहा हूँ और हम इसी शहर के निवासी हैं। तो ये हुआ आपका उत्तम पुरुष। तो इसी प्रकार से मध्यम और अन्य पुरुष जो हैं हम आपको फिर कल बताएंगे, आज इतना है।